आपको स्वागत है। आज मैं आपको गर्मियों के, आप देख रहे हैं वैसे सीजनल फ्लावर्स मेरे गार्डन में बहुत सारे हुए हैं, आप जैसे देख रहे हैं। और ये डहलिया अभी मेरा पहला फ्लावर ब्लूम हुई है और धीरे धीरे बर्ड्स बहुत सारे भी हैं लगे हुए। तो मैं आज गर्मी के पौधे, जो खास करके शरबत और चटनी बनती है जिसकी, उससे आपको मिलवाऊंगी कि मैं उसे कैसे ग्रो करी हूँ। ये पौधा है मेरी पुदीना की, इसे मैं एक डेढ़ महीना पहले ग्रो करी हूँ छोटी छोटी डंठल से। और आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे कितने अच्छे से पौधे ग्रो हो रखे हैं। देखिए ये देसी पुदीना है, ये आप देख रहे हैं। और इसमें ये आप देखिए छोटी 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 ये अभी और इसकी ग्रोथ आ रही है, नई नई ग्रोथ। और ये मेरी लगभग 15-20 दिन हो चुकी है, अच्छे से इसमें पत्ते आ चुके हैं। कुछ दिन के बाद मैं इसे इसकी चटनी या शरबत इसे बना के यूज करूँगी गर्मी में। जैसे आप जानते हैं पुदीना गर्मियों के दिन में बहुत महंगी मिलती है और क्वालिटी भी अच्छी मिले ना मिले ये बात है, लेकिन ये देखिए मैं पहले इसे कितनी खूबसूरत तरह से ये पौधे लग रहे हैं मेरी, और देसी है जो आप देखिए। और इसकी बताऊंगी मैं इसे ग्रो कैसे करी हूँ। आप जैसे कि देख रहे हैं मैं इसकी छोटी 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 मार्केट से खरीद के लाई थी पुदीना की पत्ते, और उसकी छोटी छोटी डंठल को जो थी उसमें रूट आ रखी थी उसको मैं अलग से करके रख दी थी। और रखने के बाद इसे मैं 2-4 दिन सोची कि पानी में डाल के रख देती हूँ, उसके बाद में टाइम मिलेगा मैं इसे मिट्टी में लगाऊंगी। पर मैं कुछ दिनों के बाद देखी इसमें ग्रोथ नई नई पत्ते आने लग गई, मैं इसे में छोड़ दी थी। छोड़ देने के बाद आप जैसे कि देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे पानी आपको दिख रही होगी, पानी है इसमें। और ये करीब एक महीना के करीब मेरे पौधे की इसमें हो गए, 1.5 महीना। और मैं अब आपको दिखाऊँगी सबसे आसान, मैं इसे मिट्टी में लगाई भी नहीं पानी में ही छोड़ दी हूँ। और पानी में छोड़ने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं इसे पानी में कैसे इतना अच्छा सा ग्रोथ हो रखा है, पर आप मैं इसे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए देखिए रूट इसकी, देखिए जैसे मैं डब्बे में रखी थी उसी तरह से ये गोल सी हो गई है उसकी रूट्स के साथ बॉन्ड, और उसी में ये इतनी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रखी है। ये देखिए पानी, अब तो गर्मी के दिन आ गए हैं तो 2-3 दिन में ये पानी सूख जाती है तब इस डब्बे में। उसके बाद पानी में इसमें चेंज करके 2-3 दिन के बाद फिर इसी में मैं ऐसे डाल देती हूँ। ये देखिए इतनी अच्छी से ग्रोथ हो गई है। तो आप भी इस तरह से ला के ग्रोथ कर सकते हैं, अगर मिट्टी ना हो तो पुदीना को आप पानी में डाल के ग्रोथ कर सकते हैं जिन्हें शौक है अपने घर में लगाने के। तो कैसा लगा कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय।